गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे आई टीच यू मैथ चैप्टर 15 मल्टीप्लिकेशन। आज मैं आपको क्लास वन में मल्टीप्लाई पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप ध्यान से देखेंगे, आज हो सकता है कि मैं आज फुल चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि आपका चैप्टर जो है बहुत ही लंबा है। तो फर्स्ट एट ऑल, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिंग द सेम नंबर रिपीटली काउंट एंड नंबर ऑफ चिंपैंजीज इज ईच ग्रुप, है ना। आप देख लीजिए यहाँ 2 + 2 + 2 + 2 इजकल टू कितना होता है 4। तो 2 इज रिपीटली एड 4 टाइम्स। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 टाइम्स 2, यानी 4 × 2 इजकल टू 8। ओके, द सेम एज ये मल्टीप्लीकेशन साइन डिनोटेड मल्टीप्लीकेशन। लुक एट द सम मोर एग्जाम्पल, 2 + 3 + 3 + 3 इजकल टू 9। तो 3 × 3 यानी कि 3 बार जो है 3 लिखे हैं, तो 3 × 3 = 9। सेकेंड है 4 + 4 + 4 = 12, यानी कि 4 को हम कितने टाइम्स लिखे 3 टाइम्स लिखे। तो 4 × 3 × 4 = 12। ओके, तो इसी तरह यहाँ दिया गया है नीचे फिल इन द बॉक्सेज, यहाँ दे दिया है, यहाँ 2 2 के ग्रुप में फिगर बना दिया है। 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स 2 लिखा गया 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 को 2 को कितने टाइम्स लिखा गया 5 टाइम्स। तो 5 × 2 = 10। इस तरह से पूरे बुक में आपको एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। आप यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ भी इसमें जो फिगर बना है 5 5 5, तो 5 + 5 + 5 यानी कि 5 कितने टाइम्स लिखा गया 3 टाइम्स, 3 × 5 = 15। यहाँ भी काउंट करना है फिगर्स को, 1 2 3 × 4 लिखा गया है, तो 3 × 4 = 12। और यहाँ जो वर्ड्स बना हुआ है 3 3 का ग्रुप बना हुआ है और लिखा हुआ है 3 + 3 + 3 यानी कि 3 × 4 = 12। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। मैंने भी सारे इसको फिलिंदा ब्लैंक्स को भर दिया है, आप भी इसको देख करके अपने बुक में भरेंगे। आप यहाँ एक और फिलिंदा ब्लैंक्स है, 1 2 3 यानी कि ग्रुप में है, तो इसमें कैसे लिखे 3 × 2 यानी कि 3 ग्रुप है और 2 का ग्रुप है, 3 × 2 = 3 × 2 = 6। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 के ग्रुप में 2 है, 5 × 2 = 10। यहाँ 1 2 3 4, 4 × 2 = 8। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 = 14। और यहाँ 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 × 2 = 12। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसमें ग्रुप को काउंट किया गया है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इस तरह से मैंने भी करके आपको बताई। अब आगे है आपको टेबल, टेबल है 2 का, तो आप यहाँ पढ़ेंगे 2 1 × 2 यानी 2 2 × 2 = 2, 4 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12, 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16, 9 × 2 = 18, और 10 × 2 = 20। अब इसको यहाँ जो है बताया गया है टेबल को, इसको पढ़ेंगे कैसे। 2 1s are 2, 2 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16,
टू नाइन जार 18, टू टेन जार 20। इसको पढ़ने के लिए बताया गया है कि आप इस तरह से पढ़ के इसको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे भी इसका जो एक्सरसाइज है, जो वर्क दिया गया है, उसको मैं करके बताऊंगी। ओके बच्चों।